हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। पीएम मोदी सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपने विचारों को शेयर करेंगे, जहां भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेशकश करेगा, ताकि वो अपने कोविड 19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सके। करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन को अपनाने में रुचि जाहिर की है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई, जबकि डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 99.86 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 79.36 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले रविवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा किया गया है। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में आ गया है, जिसके मद्देनजर सरकार अनलॉक के जरिए लगातार दिल्ली के लोगों को कई पाबंदियों से मुक्त कर रही है। आज से दिल्ली में लंबे समय बाद फिर से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम को बिना दर्शकों के ही खोला जाएगा। देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,111 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 725 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 3,05,00,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अभी 4,77,000 एक्टिव केसेस की संख्या। प्रदेश में कोरोना के मामलों पर गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 87 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ सभी बार क्लब खुल जाएंगे। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 जुलाई से 20 जुलाई तक परीक्षाएं करवाने की इजाजत दी गई है। साथ ही हिसार में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को भी परीक्षा करवाने की अनुमति मिल चुकी है। सीआईए टीम ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर 5 करोड़ कमाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसपी शशांक कुमार सावर ने बताया कि मोहम्मद शहवार ने हैदराबाद स्थित रेमडेसिविर बनाने वाली मूल कंपनी हेट्रोजेक को 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उसने फर्जीवाड़े का प्लान बनाया। उसने पंचकुला स्थित सनवेट फार्मा कंपनी को बुखार में दी जाने वाली एंटीबायोटिक का पिप्रोटेजो के 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जिसमें से 12,000 इंजेक्शन मिले हैं। ये इंजेक्शन मिलने के बाद इनके स्टिकर निकालकर हेट्रोजेट कंपनी के स्टिकर और रैपर छपवाए और इंजेक्शन पर चिपकाकर रेमडेसिविर के नाम पर बेचा गया। सिरसा के बेगू गांव में रविवार को निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। इस दौरान मलबे के नीचे एक मजदूर दब गया, जिसे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना मिलने के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर निर्माणाधीन मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही से लेंटर के लिए लगाई गई शटरिंग गिर गई। हादसे के बाद से मकान मालिक और ठेकेदार दोनों गायब है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला कैंट करधान में सामुदायिक केंद्र के पास देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग लगने से सीवरेज की पाइप जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सीवरेज साइट इंजीनियर ने बताया कि आग में 500 के करीब पाइप और 1000 के करीब सॉकेट जल गए हैं। पलवल के गांव मिटकोला में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को 22 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हथीन के कई गांव में जलभराव के चलते सेन की समस्या को दूर करने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने गुरुग्राम कैनाल पर 13 ट्यूबवेल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए हैं ताकि इस क्षेत्र से जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। अगर कानून में कोई कमी है तो उसे सरकार के सामने रखें, सरकार मानने को तैयार है। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है और किसान संगठन जिद कर बैठे हुए हैं। कोरोना होने के बाद भी मरीजों में काफी पोस्ट कोविड समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 25 मई से प्रदेश भर में उमंग सेंटर खोले गए थे। अंबाला में भी 3 उमंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें अब तक 40 दिनों में करीब 200 मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचे। उमंग सेंटर में साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष विभाग, फिजिशियन और डाइटिशियन की ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन अंबाला ने बताया कि कोरोना के बाद आमतौर पर मरीजों ने सबसे ज्यादा डिप्रेशन, नींद न आना, व्यवहार में बदलाव, फूलने की समस्या, सांस फूलना जैसी बीमारी आती हैं, जिनका इलाज करवाने के लिए मरीज पोस्ट कोविड सेंटर उमंग में पहुंच रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। रविवार को कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों ने आंदोलन को और धारदार बनाने की रणनीति बनाई है। किसानों ने बताया कि 17 जुलाई को वो विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र देंगे, साथ ही उनसे संसद में कृषि कानूनों को उठाने की मांग भी करेंगे। इसके अलावा किसानों ने बताया कि 22 जुलाई को लोकसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही बढ़ती महंगाई के खिलाफ 8 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। उचाना में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में 9 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें आने वाले पंचायती राज चुनाव में बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करी गई है। क्षतिपूर्ति कानून वापस करना, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। वहीं आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग। महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई, युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ बिजली से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, लेबर कोड कानून रद्द हो और किसान मजदूर के कर्जे माफ किए जाएं। रोहतक में महिला पिंक धरने में शिरकत करने पहुंची किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी किसान बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। इस दौरान किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर ही नहीं रही है, आप आंदोलन को लेकर अलग रणनीति बनाई जाएगी और दिल्ली कूच को लेकर भी चर्चा की जाएगी। दोहाना के गांव समैन में बीते दिनों बिजली निगम की टीम की ओर से की गई छापेमारी के विरोध में ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर बिजली निगम का कोई भी कर्मचारी गांव में छापेमारी करने आता है तो उसके अंजाम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। थाप नेता सूबे सिंह समैन ने बताया कि गांव के लोगों ने बिजली निगम को 20 एकड़ जमीन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इंद्री की पाल कॉलोनी में पिछले काफी समय से पानी की निकासी न होने की समस्या बनी हुई है, जिससे परेशान कॉलोनी वासी कई बार प्रशासन को मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद रविवार को कॉलोनी वासियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया है। लगभग आधे घंटे तक जाम रहने के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कॉलोनी वासियों को आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। कैथल के पार्क रोड पर रविवार को एक सामाजिक संस्थान की ओर से टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया।
इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लीलाराम और हरियाणा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत को शिरकत करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते विधायक लीलाराम ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। वहीं हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने टीकाकरण कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों ने कैलाश भगत को काले झंडे दिखाए, जिसके चलते कार्यक्रम लगभग 3 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस मौके पर हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि शहर का कोई भी अच्छा काम होगा और उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। कोरोना काल में वन विभाग ने अभिनव पहल करते हुए मॉनसून के मौसम में इस बार औषधीय पौधे मुक्त बांटेंगे। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए तुलसी, गिलोय और आंवला के हजारों पौधे घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इनके अलावा सजावटी और फलों के पौधे भी बांटे जाएंगे। मॉनसून के मौसम में वितरण के लिए वन विभाग के हाथी की पौधशाला में पौध तैयार हो चुके हैं और मुफ्त पौध वितरण करने का लक्ष्य बीते साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा रखा गया है। इस बार खासतौर पर औषधीय पौधे जैसे तुलसी, गिलोय और आंवले की पौध को बांटा जाएगा। वन विभाग का उद्देश्य हर घर में इम्यूनिटी बूस्टर पौधे पहुंचाना है, जिससे कि लोग इनके लाभ ले सकें और कोरोना वायरस से लड़ने की शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को पैदा कर सकें। प्री मॉनसून के साथ ही वन विभाग ने पौध वितरण के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। हांसी शहर के एक मैरिज पैलेस में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में ड्रामा हुआ। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग शादी की खुशियों में मशगूल थे। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी और फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन कदम रखने ही वाले थे कि अचानक पुलिस के साथ लड़के की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंच गई। गुरुग्राम से आई लड़की ने आरोप लगाया कि 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और लड़के ने शादी का वादा कर रखा था। लड़की ने आरोप लगाया कि दोनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक में काम करते हैं। पिछले 7 सालों से लड़का उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और शादी का वादा कर रखा था, लेकिन पिछले दिनों उसे कहीं से पता चला कि लड़का शादी करने वाला है, जिसके बाद लड़की मैरिज पैलेस में हो रही शादी समारोह में जा पहुंची। इतना ही नहीं, पुलिस ने हांसी पुलिस को फोन करके शिकायत भी दे दी है। पलवल में हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटा जाने वाला अनाज को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में फूड सप्लाई विभाग के एफएसओ सुरेश पांचाल और दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी पलक झपकते ही बाइकों को उठाकर मौके से फरार हो जाया करते थे। इसके साथ ही पुलिस ने 6 चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया और अब इनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। सीआईए डबवाली और सदर थाना पुलिस ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई छीना झपटी की वारदात को 20 घंटों में ही सुलझा लिया है। डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने शहर थाना डबवाली कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि मामले में 3 आरोपियों को 32 बोर के रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हैप्पी ने रेकी करके फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की मोटरसाइकिल को लात मारकर गिरा दिया और उससे करीब 41,000 रुपए की नकदी छीन ली। बताया जा रहा है कि शिकंजे में आया आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। सिरसा में एक शख्स ने पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। पूरे मामले को लेकर रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि रेवाड़ी से फाजिलका ट्रेन जा रही थी, अचानक युवक उसके सामने कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई। कोरोना काल में चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। सिरसा के इंद्रपुरी मोहल्ला की गली नंबर 2 में एक घर में चोरों ने अपना इस घर को निशाना बनाया।
चोरों ने घर पर रखे 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया और रफू चक्कर हो गए। चोरी की वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार के सदस्यों ने सुबह कमरे की हालत देखी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि पहले भी उनके घर से 65,000 रुपए की चोरी हुई थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए थे। ग्राम पंचायत मुजेडी में गबन के मामले में निलंबित बीडीपीओ पूजा शर्मा की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस गबन के मामले में तिगांव एसीपी सुरेंद्र श्योराण ने जल्द कार्रवाई का दावा किया है। उन्होंने इसे लेकर पंचायत विभाग के एक्सीएन से जांच रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इस गबन के मामले में एसीपी स्तर पर पूरी जांच चल रही है। ग्राम पंचायत मुजेडी में बीडीपीओ पूजा शर्मा पर करीब 70 लाख रुपए के गबन का आरोप है। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने दिल्ली के बंद रास्ते को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना और बंद रास्तों के कारण उनका 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। गुरुग्राम से फरीदाबाद आने जाने का सफर अब महंगा हो गया है। टोल कंपनी ने टोल टैक्स की दरें 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ा दी हैं। गोहाना में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। गोहाना सोनीपत रोड पर सीवरेजेस की सफाई व्यवस्था ठीक न होने से थोड़ी बारिश में यहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार रात हुई बारिश से सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिसके चलते मंडी में आने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दुकानदारों की ओर से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों को एक तरफ स्वच्छता रखने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के वार्ड नंबर 8 के काजीवाड़ा इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। लोगों के घरों के नलों में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते लोग बाहर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसको पीने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। पीसवा मील बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे पर पानी निकासी न होने से 70,000 से ज्यादा लोग और उद्योगपति परेशान हैं। बता दें कि हाईवे का एक हिस्सा कुछ दिन पहले ही बना है, लेकिन फिर से पानी भरने के चलते टूटने का डर बना हुआ है। इतना ही नहीं, पानी भरने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि 20वां मील बहादुरगढ़ हाईवे पर अक्सर पानी भरा रहता है, जिससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही सड़क पर पानी चलता रहता है और निकासी का ठोस प्रबंध नहीं होने से पानी भर जाता है। रोहाना के भूना रोड स्थित राजकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय में प्रशासन की लापरवाही के चलते समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लापरवाही भी ऐसी जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज में आग बुझाने के लिए लगाए गए अग्निशमन सिलेंडर करीब एक साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको प्रशासन ने दोबारा रिफिल तक नहीं करवाया। अगर कॉलेज में आगजनी की घटना हो जाती है तो ये सिलेंडर काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कॉलेज परिसर में पीने के ठंडे पानी के लिए लगाया गया वाटर कूलर भी खराब हो चुका है। हालांकि कॉलेज प्रिंसिपल ने सिलेंडर रिफिल ना कराने के पीछे लॉकडाउन को वजह बताया है। किसान नेता जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह को भारतीय किसान यूनियन से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन की अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए, साथ ही दोनों पर समिति ने चंदे का सही हिसाब न देने का भी आरोप लगाया। फतेहाबाद के भूना कस्बे में नगर पालिका प्रशासन के ढीलेपन के चलते 50 से ज्यादा गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। दरअसल इन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन मंजूर भी हो गया और अधिकारियों की ओर से पहली किस्त आने की बात पर इन्होंने अपने मकान तोड़ दिए।
लेकिन मकान टूटने के बावजूद उन्हें किश्त जारी नहीं हुई, जिस वजह से उन्हें अपने कच्चे मकानों से भी हाथ धोना पड़ गया। लोगों का कहना है कि उन्हें नगर पालिका अधिकारियों ने कहा है कि उनकी फाइल मंजूर हो गई है और उन्हें जल्द ही पहली किश्त जारी की जाएगी, लेकिन अब उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। फतेहाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र से 4.5 लाख की लूट, दो बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। प्रदेश में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है, यहां पर चोरों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर की कॉपर कॉइल लूट ली। चारों ने दो दिनों में दो फैक्ट्रियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पहली वारदात गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री की है, जहां पर चोरों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की। चोरी की दूसरी घटना भगवती होली कैंप की है, जहां पर करीब 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यहां चोरों ने छत पर सोए गार्ड के हाथ पैर बांधकर जनरेटर रूम में बंधक बनाया, उसके बाद ट्रांसफार्मर को गिराकर कॉपर कॉइल निकालकर फरार हो गए। बदमाश लोहे का कटर और वेल्डिंग मशीन भी लूट ले गए। इतना ही नहीं, लुटेरे सीसीटीवी की तार काटकर डीवीआर भी ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। रविवार शाम राजभवन में आयोजित समारोह में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई अन्य वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई।